राजस्थान के पशु चिकित्सकों की नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर सोमवार को शहर के पशु चिकित्सालय के सभी डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से पशु चिकित्सालय की सेवाएं चरमरा गई और अस्पताल में पशुओं का इलाज करवाने आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र सहाड़ा ने बताया कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर राजस्थान के सभी पशु चिकित्सक करीब 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनको सिर्फ आश्वासन दिया और उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसी को देखते हुए राजस्थान के सभी पशु चिकित्सक के कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूर दराज से अपने पशुओं को लेकर चिकित्सालय पहुंचे लोगों ने भी पशु चिकित्सकों की इस मांग को जायज ठहराया और उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की मांग पर राज्य सरकार को सोचना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द नॉन प्रैक्टिस अलाउंस उपलब्ध करवाना चाहिए। राज्यव्यापी आह्वान पर उदयपुर जिले के समस्त पशु चिकित्सक हड़ताल पर हैं और इसके लिए सरकार ने हमें मजबूर किया है। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि पशुपालकों को और जो पशु प्रेमी हैं उनको इससे तकलीफ हो रही है, इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो एक जायज़ मांग है जिसकी हम बरसों से मांग कर रहे हैं और हमने इस बारे में सरकार को बार बार चेताया, बार बार आंदोलन किए और बार बार आमरण अनशन तक गए, लेकिन सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। इससे मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और मैं पशुपालक साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे गौशाला प्रबंधक और जिले के और राजस्थान के समस्त पशुपालक भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आंदोलन में गति से गति दे रहे हैं और 16 तारीख का जो हमारा एक दिवसीय हड़ताल थी उसमें भी गौशालक प्रबंधक और पशुपालकों ने सहयोग किया था और आगे भी इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए हमेशा आने के लिए तत्पर है। के सर्वांगीण विकास में पशुपालन का बहुत ही महत्व है, ये हम सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे देश में दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम में है, ऊन उत्पादन में प्रथम है। निसंदेह ये पशुपालकों की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका परिणाम है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो पशु चिकित्सक है जो रात दिन काम करता है, जो पशुओं के साथ काम करता है और जो राज्य सरकार की महत्व या लाभान्वित योजनाएं हैं वो पशुपालकों के द्वार तक पहुंचाता है और ऐसे पशु चिकित्सकों का जो उनका अधिकार है और पिछले 20 वर्षों से जिनकी वो मांग कर रहा है कि वो NPA उनको मिलना चाहिए, तो राज्य सरकार से हमारा यही निवेदन है, आग्रह है कि हम आपके कार्यक्रम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, पशुपालकों के द्वार तक पहुंचाना। जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आने वाले समय में हम पशुधन में भी पूरे देश में प्रथम आना चाहते हैं, अभी द्वितीय स्थान पर है, तो ये सभी हम भी चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब पशु चिकित्सकों की भी जो जायज मांग है, जो उनका अधिकार है, जो देश के अन्य राज्यों में जो 17 राज्य हैं वहाँ पे ये NPA मिल रहा है, तो राजस्थान इससे अछूता क्यों? राजस्थान में जब मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सारे जितने भी हमारे यहाँ पर विविधाएँ या जितने भी सेक्शन हैं सबको वो कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो पशु चिकित्सक को इससे अछूता क्यों रखा जा रहा है? तो हमारा सबका यही निवेदन है कि हमारे को NPA दिया जाए। इस कारण से हमने राज्यव्यापी उदयपुर जिले में नहीं अपितु पूरे राजस्थान में समस्त पशु चिकित्सकों ने ये एक अनशन किया, हमने यहाँ पर आंदोलन किया है और उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमारी मांग पूरी करें, अन्यथा हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। के लिए जरूरी है इंटीरियर और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।